तो अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट करना है ना तो वो बस आपको इस एक्ट पे या इस सेक्शन पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको एक बार समझ गया तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे तो लेट अस बिगिन विद आर लेक्चर ऑन सेक्शन 13 सेक्शन 14 एंड सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882

अनबोर्न पर्सन की अज्यूमिंग दैट माई सन इज नॉट इवन मैरिड बट आई एम से माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल गेट द प्रॉपर्टी सो आई मे इट मे बी इधर इमेजिनरी या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आने वाला होगा लेकिन इट हैज नॉट येट कम इन टू एक्सिस्टेंस तो दिस कैन बीधर हमारी पहली स्लाइड या पहले पार्ट में पढ़ा था इन दार्टन ऑफ आर लेक्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड होगा तो क्या अनबोर्न पर्सन कवर होगा क्या बिकॉज अनबोर्न पर्सन इज नॉट गेट अ लिविंग पर्सन टू विल दैट पर्सन बी कवर्ड This concept, ki how does a transfer to an unborn person is uh, regulated by the Transfer of Property Act? That we will cover under our first concept, that is section 13. So, if you look at this, if you look at the basic rules of transfer, okay, you will realize that transfer only happens between living persons, right? फिर भी सेक्शन थर्टीन बोल रहा है कि ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन हो सकता है क्या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हमें मिलना चाहिए तो क्या ट्रांसफर डायरेक्टली एक अनबोर्न पर्सन को हो सकता है क्या इट इज नो वाई नो बिकॉज ट्रांसफर हैपेंस ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन लेकिन फिर भी अगर मेरा मन है कि मेरे को मेरे फ्यूचर ग्रिल्ड्रन के लिए आई वॉन्ट टू लिव आई ब्रिंग दैट हाउ विल आई गिव दैट और ब्रिंग दैट टू एन इफेक्ट वो कैसे करेंगे हम तो उसकी कुछ कंडीशंस है वो हमें मिलेगी सेक्शन थर्टीन सेक्शन फोर्टीन के अंडर अगर हम ये दो सेक्शंस का एक कंबाइंड रीडिंग करेंगे तो हमें इस कॉन्सेप्ट के जो जो कंडीशंस है वो पता चलेगी प्लीज ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नॉट ओनली और एग्जाम पर अगर आपको ये एक बार समझ आया तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे यू विल रिमेंबर इट फॉर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है तो यहां क्या लिखा है हम पहले वर्डिंग्स पढ़ते हैं तो लिखा है कि ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन क्या ट्रांसफर फॉर अनबॉर्न पर्सन लिखा है क्या नहीं इट इज रिटर्न दैट इट इज ट्रांसफर फॉर बेनिफिट तो ऐसा क्यों लिखा होगा क्योंकि सेक्शन 13 बोलता है कि जब भी आप किसी अनबोर्न इंसान को ट्रांसफर करते हैं ना तो पहले आपको बीच में एक लिविंग पर्सन को इंटरमीजिय रखना पड़ेगा वो लिविंग पर्सन को आपको इंटरमीजरी रखना पड़ेगा जो उस अनबॉर्न पर्सन को देगा तो ट्रांसफर पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा इन द नेम ऑफ दैट अनबॉर्न पर्सन ठीक है उसको वो ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा और वो ट्रस्ट में बीच में कौन होगा बीच में एक लिविंग पर्सन को आपको इंटरमीजियरी बनाना पड़ेगा so suppose i want to transfer some property to my grandchildren i will first and foremost make sure that i transfer it for suppose a will first create an interest for his son that son for a, he must be a living person okay he will create an interest in the name of that son and that son will hold it for दिस विंटरेस्ट तो लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है लाइफ इंटरेस्ट मतलब यू हैव ए राइट टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी टू यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर योर लाइफ बट यू कैनॉट सेल इट यू कैनॉट सेल इट यू हैव टू गिव इट टू होम यू हैव टू गिव इट टू दैट अनबोर्न पर्सन सो सपोज माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर द अनबोर्न पर्सन सो दे शुड गेट इट ठीक है तो बीच में कौन आएगा बीच में एक इंटरमीजिय आएगा जो है सन यह है पहली कंडीशन की देयर शुड बी एन इंटरमीजिय द फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एन इंटरमीजिय नाउ देयर इज अ सेकंड कंडीशन जो सेक्शन 13 बोलता है कि जब आप एक ट्रांसफर एग्जीक्यूट करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन तो दैट ट्रांसफर शुड बी एन एब्सल्यूट ट्रांसफर इट शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ योर होल इंटरेस्ट कंडीशनल ट्रांसफर पढ़ा था हमने पिछले ही पार्ट में तो क्या कंडीशनल ट्रांसफर हो सकता है क्या वो अनबॉर्न पर्सन के नेम में नहीं इट हैज टू बी एन एप्सल्यूट ट्रांसफर इट हैज़ टू बी अ ट्रांसफर ऑफ द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर तो हम फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज को तो क्या है आज आज की डेट पे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द ट्रांसफरर

है। तो एस एज ऑन टूडे टूडे ओके आज इफ दॉट मैरिड ओनली कैन दे है लुकिंग एट इट सिंपली फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लॉ परसपेक्टिव तो आज उसको चाहिए कि वो एक ऐसा ट्रांसफर अग्रीमेंट बनाए की ये जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिले लेकिन सेक्शन थर्टीन तो बोलता है कि आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी किसी भी अनबोर्न इंसान को किसी भी इमेजिनरी इंसान को आज नहीं दे सकते हो तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए उसे ये प्रॉपर्टी एक तो उसके सन को या उसके डॉटर को और भी हो सकता है या एंड भी हो सकता है दोनों को भी दे सकता है वो कि आप दोनों इसे ट्रस्ट में रखिए या फिर किसी एक को भी दे सकता है तो वो ऐसा बोल सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है वो पहले जाएगी सन को फॉर हिज लाइफ फिर जाएगी डॉटर को फॉर हर लाइफ और फिर मिलेगी जो भी पहला ग्रैंड चाइल्ड होगा उसको फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड तो ऐसा उसने बोला कि पहले सन को मिलेगी फॉर हिज लाइफ डॉटर को मिलेगी फॉर हिज लाइफ एंड फिर जाएगी ग्रैंड चाइल्ड को तो आप बोलेंगे कि वो तो एक बार लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया तो यहां से डायरेक्ट ग्रैंड चाइल्ड को जाना चाहिए होल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है ऐसा है कि वो सन के बाद को भी तो लाइफ के लिए ही मिल रही है ना तो देर कैन बी एनी नंबर इंटरेस्ट ऐसा कहीं नहीं बोला है कि सिर्फ एक बार कोई ट्रस्टी बनेगा ऐसा बोला है कि कितने भी ट्रस्टीज बन सकते हैं ठीक है ठीके? पर इसमें फिर आएगा रूल अगेंस्ट परपेचुटी तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो एज्यूम कर लो ये सन डॉटर वाले एग्जाम्पल को आप बस ध्यान में रखो तो जब आप सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो आपको दो और रूल्स पता चलेंगे जो इनकी कंडीशन बोलेंगे तो 13 में क्या बोला है 13 में सिर्फ इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बोली गई है कि वन ही शुड गेट द होल इंटरेस्ट इसको एपसल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए

सब्जेक्ट टू अर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय सेम ट्रांसफर तो वो सेम ट्रांसैक्शन के अंदर जब वो बेनिफिट अनबोर्न पर्सन को मिलेगा तभी उसमें इंटरमीडिए भी लिखा जाएगा कि कौन है हु इज द ट्रस्टी उसको होल्ड कौन करेगा फॉर लाइफ द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शल नॉट ए टेक इफेक्ट ये तब तक ये जो ट्रांजैक्शन है ये जो डीड है ये तब तक इफेक्ट नहीं करेगी जब तक वो वो अनबॉर्न पर्सन को अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर तो पूरा इंटरेस्ट पूरा That is, whatever transfer happened, ऐसा नहीं हो सकता कि intermediary के बाद वो unborn person को भी सिर्फ life interest मिले। That is, not possible. He should get every right in that property. The transferor cannot cannot say that I am the owner, but मैं मेरे son को भी life interest दूंगा, फिर उसके son को भी life interest दूंगा। फिर उसके सन को भी लाइफ इंटरेस्ट दूंगा फिर उसके सन को भी लाइफ इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफरर के पास कितनी इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में हाउ मच इंटरेस्ट ही हैज होल इंटरेस्ट तो जो अनबॉर्न पर्सन है ये अनबॉर्न है ज्यूम कर लो सिर्फ सन पैदा हुआ है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर बाकी सारी जनरेशन तो पहले तो ये ट्रांसफर वैलिड ही नहीं है बिकॉज एक ही अनबॉर्न पर्सन हो सकता है क्या एक से ज्यादा जेनरेशन ऑफ अनबॉर्न देर बी मोर देन एग्जाम्पल गए तो इंटरेस्ट सो अज्यूम देर इज ओके इफ देर इज एन एल्डरसन एंड अंग ग्रेड चिल्ड्रन पता नहीं है कौन है यू रिटर्न दैट योर ग्रैंड चाइल्ड होल ऑफ द रिंग इंटरेस्ट सो द ग्रांड चाइल्ड शुड गेट द होल इंटरेस्ट यू कांट डिवाइडेड की दो हुए तो दोनों में आधा आधा नो द एल्डेस्ट वन द फर्स्ट बॉर्न जो पहले वो कंडीशन फुलफिल कर देता है दैट पर्सन विल गेट द होल इंटरेस्ट ओके सो देर मे बी सम अदर प्रोविजन दैट यू माइट हैव टू डू फॉर द अदर चाइल्ड सो होल इंटरेस्ट होना चाहिए और एक इंटरमीजरी होना चाहिए बस इतना ही ये सेक्शन में बोला गया है पीपल अननेसेसरीली अननेट कंफ्यूज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट देर आर ओनली टू कंडीशन अगर अनबॉर्न पर्सन है तो आप उसको डिरेक्टली नहीं ट्रांसफर कर सकते हो यू हैव टू अपॉइंट एन इंटरमीजरी एंड सेकेंड ट्रांसफर होना चाहिए ऑफ होल इंटरेस्ट

प्रोविजन टूडे बट वॉट इफ इन फ्यूचर जब एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे जॉब करोगे ये जब सेक्शन अमेंड हो जाएंगे तो आपको वो समझ के उनका मतलब समझते आना चाहिए सेक्शन पढ़ के इसीलिए इफ यू जस्ट रीड आउट द नोट इट इज वेरी सिंपल बट इफ यू रीड आउट द सेक्शन यू नो वे टू पॉज यू नो वॉट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू इंटरप्रिट उसको समझना कैसे है तो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू तो दो पॉइंट्स इसने सेक्शन में से हमें समझे एक है कि प्रायर इंटरेस्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन होना चाहिए एक लिविंग पर्सन या एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बस लिविंग होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर कितने भी इंटरमीजिय हो सकते हैं बट दे शुड बी लिविंग ऑन द डेट ऑफ दैट ट्रांसफर सेकेंडली होल इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए फॉर द unborn person's benefit whole interest means absolute transfer on each all right so let us just quickly go through a good illustration for section 13 so i have given you a real case law although i have not mentioned the name of that case law i have used a real life judge case law example which is very famous for your understanding and it is easy to understand also so, assume that there is a Parsi man named Navroz. Okay. He transferred a life interest to his son, Rustam, and daughter in law, Farah. What did he give to them? He gave to them a life interest. That is, they can use the property for their life. And he said that upon their death, upon their life, so that transfer will actually happen to his unborn grandchildren. Who are they? They are unborn yet. So assume that there is a Parsi man named Navroz.

Now, second condition was that the transfer should be an absolute transfer. So, let us see how or what is transferred. So, he says that the transfer to the grandchildren will cease if any of the grandchildren profess, stop professing Zoroastrian faith. That is, if they renounce their religion, then the transfer would be nullified. So, there is a condition subsequent in this. We have learnt in our last lecture what is a condition subsequent. So, this is a conditional transfer. So, the section 13, the second condition to section 13 clearly says how it should be absolute. But here, there is a condition subsequent. Although the transfer has happened, but there is a conditional transfer. Therefore, this condition is not fulfilled therefore will this transfer be valid no why because although there were intermediaries although a life interest was created for the son and daughter the grandchildren the unborn persons were not given the whole interest of the transferer they were given a conditional transfer there was a condition subsequent which was added to that transfer therefore the whole transfer would not be valid all right i hope you have understood section 13 now you always have to read section 13 with section 14 because these are the two sections which go hand in hand so you have to fulfill the requirements of section 13 also and section 14 also when you Transfer property to an unborn person. So, what is section 14? Let's look at that in the next slide. Section 14 says that there is a rule against perpetuity. Against means it does not favor perpetuity. What does this mean? Suppose there is an owner of the property, Mr. A. He says that upon my death, I create a life interest in the name of my son upon his death there is again a life interest in the name of his grandson then upon his death there is again a life interest in name of his great grandson and so on this goes on so there is always a life interest and he does that for approximately six or seven generations so what is he trying to do here he is trying to create a perpetual ownership in his own name, because end even after his death, the ownership will lie in his name, because he has created such a transfer whereby all his future generations only get a right to enjoy that property. They do not get a right to alienate it. They do not get a right to part with it or sell it so will this be favorable Aise toh, a person will try and control his estate for generations together ki, even if he dies he will instruct and he will create such a deed ki all his future generations will not be able to sell it so this is not right this is not favorable why because all this would lead to the stagnation of property right अभी हमने जितने डॉक्टरी पढ़े हैं, वो सारे एक्चुअली इंग्लिश लॉ से आए हैं ऑल दीज डॉक्टरी कॉमन लॉ डॉक्टरी एक्ट तो देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेंस कि ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए कि इंफाइनाइटली परपेचुटी मीन्स इटर्निटी फॉर इन्फिनिटी तो देर वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग रीजन की अगर हम किसी को अलाउ कर देंगे कि वो बता सकते हैं कितनी भी जनरेशन तक आप अनबॉर्न uh, अपनी प्रॉपर्टी कंट्रोल कर पाओगे सो इवन इफ यू डाइज यू स्टिल बी द बॉस यू स्टिल कंट्रोल द प्रॉपर्टी द एक्टिव सर्क्यूलेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल स्टॉप दिजनेस कॉमर्स सब रुक जाएगा एवरीथिंग विल बी हेम्पर्ड the country's trade would be hampered then there would be a industry ke liye scope because capital will never increase if you don't have a right to sell your house you won't get money even if you don't have money you still can't sell your house what is the use of it in whose name is it so that's a really big obstruction a really huge hindrance for trade commerce everything that is why the english law had always had a rule against perpetuity. It was also called a double possibility rule. So, this rule that is under section 14 was known as a double possibility rule in the English law. And they got this rule from where? They got this rule from a very famous case law okay this rule is also called by the name of that case law that is witby versus mitchell all this is not very important for you to remember but i am only telling you this so that when you study a concept you know where it फ्रॉम वेर हैज इट इवॉल्व फ्रॉम तो अगर आपको किसी चीज का ओरिजिन पता चलता है किसी चीज का बैकग्राउंड पता चलता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसा रूल बना क्यों था ठीक है तो अगर ऐसा रूल नहीं बनाते तो क्या हो जाता कि एक इंसान अपनी डेथ के बाद भी वो प्रॉपर्टी जेनरेशन तक कंट्रोल कर पाता इसीलिए ब्रिटिश कॉमन लॉ पीपल इंग्लिश पीपल दे गॉट अ रूल कि ऐसा तो आप नहीं कर सकते आप इंग्लिश लॉ क्या बोलता है कि आप मैक्सिमम एक जेनरेशन प्लस 21 इयर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को मैक्सिमम हाउ मच कैन यू कंट्रोल यू कैन कंट्रोल टिल वन जेनरेशन एंड 21 इयर्स तो हमने भी इंडिया में ये लॉ वहीं से अडॉप्ट किया है तो हम कित हमारा इंडियन लॉ क्या बोलता है कि हम एक जेनरेशन और मजॉोरिटी तक कंट्रोल कर सकते हैं इंडियन so लॉ बोलता है कि हम एक जेनरेशन और मेजॉरिटी तक मतलब बिफोर मेजॉरिटी किसी इंसान के हम वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो अस जस्ट रीड आउट वॉट सेक्शन 14 से सेक्शन 14 सेज दैट नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट व्हिच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द द लाइफ टाइम ऑफ ऑफ वन और मोर लिविंग एट डेट सच ट्रांसफर मतलब अगर एक साथ का देर आर ए बी सी डी ई एफ सब जिंदा है तो आप वो प्रायर इंटरेस्ट सबके नाम पे कर सकते हो कि ए बी सी डी ई जितने लोग एक जनरेशन के हैं सपोज अ फैमिली हैज सिक्स सिबलिंग्स all of them are already alive okay a father mr a has six sons six sons suppose mr a has six sons so he can create an interest in the name of one two three four five so does it say key you can't create interest in the name of six people no it says that you cannot create interest in the name of six जेनरेशन मतलब सन उसका सन उसका सन वैसा नहीं कर सकते वैसा आप सिर्फ एक जेनरेशन तक कर सकते हो लेकिन एक जेनरेशन में आप कितने भी लोगों के एन नंबर यू कैन क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर राइट सो दिस दैट इट इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर डेट ऑफ ट्रांसफर के time pay all those life interests should be living people if you create an interest in the name of six brothers those six brothers should be alive and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong तो हमने ना पहले दो कंडीशन देखी थी देर शुड बी एन इंटरमीजिए दिस सेक्शन टेल्स यू दैट देर कैन बी एनी नंबर ऑफ द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी फ्रॉम द सेम जनरेशन बिकॉज उनकी लाइफ टाइम एक ही होनी चाहिए वन लाइफ टाइम सो सपोज सिक्स फ्रेंड्स सिक्स क्लासमेट्स सिक्स सिबलिंग्स ऑल ऑफ देम विल बी वन जेनरेशन नीचे नहीं जाना है ऊपर नहीं जाना है बस एक लाइन में कितने भी लोग हैं, तो उनको वो इंटरेस्ट मिल सकता है ठीक तो है तो दैट इज देर है, यू हैव टू बी केयरफुल ओके नाउ दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट तो प्लीज ध्यान दे के सुनिए तो अगर ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ छह भाइयों के बीच जो है ए बी सी डी वगैरह. ठीक है तो की डेथ के पहले before इसका पीरियड खत्म हो the unborn person, जिसको वो पूरा मिलने वाला है दैट पर्सन शुड कम अलाइव दैट पर्सन शुड कम इन टू तो ये आपका रिस्क होगा अगर आपने चार लोगों को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी एक भी की फॉर हिज लाइफ तो एक ही लाइफ इंटरेस्ट है तो एक ही लाइफ खत्म होगी ये लोग सब सेम टाइम पे ही मरेंगे ना बिकॉज दे आर ऑल फ्रेंड्स अराउंड द सेम एज कोई 75 कोई 80 सो so अराउंड एक चार पांच साल के डिफरेंस पे दे विल डाई सो अज्यूम दैट दीज आर सिक्स फ्रेंड्स तो ये जो अनबॉर्न पर्सन है ही शुड कम इन टू

एक जो हमने इंटरमीडिएट पढ़ा था अभी हम लोग ये रूल कहा अप्लाई करेंगे हम लोग सेक्शन 13 में भी इस रूल को अप्लाई करेंगे तो सेक्शन 13 में हमने दो देखा था कि एक होना चाहिए इंटरमीडिएट है ना और ट्रांसफर होना चाहिए एब्सोल्यूट मैं रिपीट कर रही हूँ तो इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए तो वो जो इंटरमीडिएट है उसके लिए अगर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो उसकी डेथ के पहले ये अनबॉर्न पर्सन का बर्थ होना चाहिए बिफोर हिज डेथ द अनबॉर्न पर्सन शुड कम इन टू एक्सिस्टेंस तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन लेटर्स लुक एट आर फोर्थ कंडीशन नाउ द फोर्थ कंडीशन इज दैट मैक्सिमम वो अनबॉर्न पर्सन जब जिंदा बर्थ हो गया उसका तो उसको यूजुअली इफ यू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू अ माइनर तो वो प्रॉपर्टी वो माइनर को कब मिलती है मेजर होने के बाद है ना तो मेजर मेजर होने के बाद जब कोई माइनर ट्रांसफरी तो तब तक उसके माइनॉरिटी के टाइम पे एक गार्डियन वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है और उसके माइनॉरिटी खत्म होने के बाद गार्डियन भी हो सकता है पेरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट केस सो उसके माइनॉरिटी खत्म होने के बाद ही गेट्स द होल इंटरेस्ट तो यहां भी यही बोला है कि अनबॉर्न पर्सन ने एग्जिस्टेंस में कब आना चाहिए जब की डेथ के पहले ही शुड टेक बर्थ ही शुड कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड सेकेंडली ही शुड गेट दैट प्रॉपर्टी वेन इमीजिएटली वेन ही टर्स मेजर अभी इंडियन मेजोरिटी एक्ट में देर आर टू एजेस गिवन नॉर्मल एज क्या है आप लोगों की मेजर होने की 18 इयर्स तो उसको 18 इयर्स होने से पहले 18 इयर्स होते ही वो प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए और कुछ केसेस में वेर देर इज अ गार्डियन अपॉइंटेड अ गार्डियन अपॉइंटेड देन दैट एज इज 21 सो इन आईदर केस उसकी मेजोरिटी पे उसको वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए तो दो रूल्स है सेक्शन थर्टीन के दो रूल्स हैं। एक है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए डायरेक्टली आप वो प्रॉपर्टी एक अनबॉर्न पर्सन को नहीं दे सकते हो सेकेंडली वो जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ठीक है उसके बाद जब वो अनबॉर्न पर्सन को मिलेगा तो वो ट्रांसफर एब्सोल्यूट होना चाहिए थर्ड कंडीशन जो सेक्शन फोर्टीन में दी है

फोर कंडीशन मतलब रूल अगेंस्ट परपेचुटी को फॉलो करते करते आपको एक अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अभी हमने तो जब अनबोर्न पर्सन की बात की वी मोस्टली टॉक्ट अबाउट चिल्ड्रन ठीक है इट मे बी ग्रैंड चिल्ड्रन जो अभी तक बर्थ ही नहीं लिए या इट मे बी फीट जो कंसीव हो चुके हैं राइट बट देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग केस ऑल्सो सो सपोज मिस्टर ए ओके हैज एंड ही लीव्स अ प्रॉपर्टी ये सन कौन है ही इज म्यूरली सिक्सटीन ए क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ

अनबोर्न पर्सन वाई बिकॉज ही इज येट टू कम टू अजेबल एज वो मैरिज कब करेगा गेट मैरिड एंड देन ही सर्च फॉर हिज ब्राइड ना देन ही लुक फॉर अ ब्राइड तब वो लड़की देखेगा पसंद करेगा फिर पता चलेगा हु इज दैट वाइफ So, the wife is also regarded as an unborn person because for that family, that person has not yet been specified. Alright. So, these kinds of transfers are also known as transfer for an unborn person. He, she is still unborn for the family. You don't know who it is going to be. So, you can do what? You can create a life interest in the name of your son and then transfer it to your daughter-in-law this usually people do why because sometimes the next generation is not interested in the institution of marriage so what does the father do he says that okay i will transfer the property in the name of the daughter-in-law so if you you might get the life interest but if you ever want to sell it you will have to get married then that property will come into existence the owner will come into existence right so this is what

बट जस्ट रिमेंबर दीस फोर कंडीशंस और आप हर बार ये चार कंडीशंस अप्लाई कीजिए पहला क्या है कि इंटरमीजियरी या प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए सेकंड है कि वो अनबॉर्न पर्सन के नाम पे पूरा होल ट्रांसफर होना चाहिए एब्सोल्यूट ट्रांसफर अनकंडीशनल ट्रांसफर होना चाहिए थर्डली बिफोर दैट प्रायर इंटरेस्ट फोर दैट प्रायर इंटरेस्ट कम्स टू एन एंड की वो इंटरमीजिय की डेथ के पहले समझो दैट अनबॉर्न पर्सन शुड कम इन टू एक्सिस्टेंस तो इंटरमीजिय की डेथ के पहले अनबॉर्न पर्सन का बर्थ uh, होना चाहिए एंड लास्टली वो अनबॉर्न पर्सन को वो ट्रांसफर कब इफेक्चुएट होगा तब कब उसको उसका बेनिफिट एक्चुअली मिलेगा ऑब्वियसली मेजोरिटी पे क्योंकि माइनर्स पे वैसे ही रूल काम करता है तो इंडिया में मेजोरिटी पे मिलेगा ठीक है सो दीज आर द फोर कंडीशन हम एक लास्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे इसमें आपको ये दोनों रूल सेक्शन थर्टीन और सेक्शन फोर्टीन को एक साथ कंबाइन करके हम ये इलेस्ट्रेशन पढ़ेंगे सो लेट्स मूव ऑन टू आर इलेट्रेशन नेक्स्ट स्लाइड सो सपोज एक्स गिव्स अ लैंड टू हिज फ्रेंड ए देन टू हिज फ्रेंड बी देन

फॉर एवर तो ये सब जो है आर आर दे दे ऑफ द सेम यस बिकॉज फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो एक ही जेनरेशन के होंगे राइट सो एक्स गेव इट टू बी फॉर लाइफ ए फॉर लाइफ बी फॉर लाइफ सी फॉर लाइफ यहां तक सब सही था ठीक है फिर उसने बोला कि अब जाएगा ए के सन को फॉर लाइफ एक हुआ सन ऑफ बी उनको भी लाइफ इंटरेस्ट ही मिला और यहाँ पे इज द अनबोर्न पर्सन द लास्ट ट्रांसफर इज सन ऑफ सी बट इज दिस ट्रांसफर वैलिड नो वाय बिकॉज

फर्स्ट अनबोर्न पर्सन शुड गेट द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट तो अब हमने सेक्शन थर्टीन और सेक्शन फोर्टीन का एप्लीकेशन तो पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कि वॉट आर द एक्सेप्शन टू रूल अगेंस्ट परपेचुअली तो एक्सेप्शन मतलब दीज आर दो प्रॉपर्टीज जिनको अलाउड है परपेचुअली उन्हें रखना ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो जब भी कोई प्रॉपर्टी बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए होती है ठीक है तो एक फ्रंट क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल कि अभी से हुएवर गेट्स सम 95% इन 10थ बोर्ड एग्जामिनेशन दैट पर्सन विल गेट अ स्कॉलरशिप फॉर हिज हाई स्कूल एजुकेशन तो ये जो फंड है ये ओवर द जनरेशन चल रहा है सौ साल पुराना फंड है तो मेरे पापा ने भी यूज किया था उनकी बेटी भी यूज करेगी उनकी जो सन या होंगी वो भी यूज करेगी और ये फंड परपेचुअली चल रहा है तो देन बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक उसको हम अलाउ करेंगे क्योंकि एक्ट के अंदर ही ये एक्सेप्शन दिया है कि जब भी नॉलेज रिलीजन कॉमर्स हेल्थ सेफ्टी या ऐसा कोई ह्यूमन बेनिफिट के लिए मैनकाइंड को uh, यू नो एनरिच करने के लिए कोई object, उस objective से कोई ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्टिव से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो उसे परपेचुटी में चलना अलाउड होगा सेकेंडली वेस्टेड इंटरेस्ट तो हमने हमारे लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है तो वेस्टेड मतलब जब किसी को वो इंटरेस्ट मिल जाता है उसको वो ऑलरेडी ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो जाती है तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो जनरेशन पहले ना आपके पापा ने जो डीड बनाई थी आपके ग्रैंडफादर ने जो डीड बनाई थी वो ही रॉन्ग थी क्योंकि इतना पुराना तो नहीं चलता तो बिकॉज ऑफ सम एरर वो गलत है पर अभी तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मुझे मिल गई ना तो अब मैं नहीं बोल सकती कि ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से वेस्ट हुई है बिकॉज वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है उसे मिल गई है ठीक है लैंड परचेस्ड और प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ कॉरपोरेशन कॉर्पोरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हम जब भी लिखते हैं कंपनी लॉ में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ कंपनी वी ऑलवेज कम अक्रॉस द टर्म पर सक्सेशन तो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है मतलब आज अगर सब कंपनी के जितने शेयर होल्डर फ्लाइट में गए फ्लाइट क्रैश हो गई सबके सबकी डेथ हो गई तो भी जो नेक्स्ट रहेंगे उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलेगी उसके बाद फिर से वैसा हुआ तो उसके बाद उनके जो सक्सेस रहेंगे उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि यही तो एडवांटेज है कंपनी का बिकॉज कॉरपोरेशन में परपेचुअल सक्सेशन ही काम करता है ठीक है तो उसके बाद लास्टली एक प्रॉपर्टी अगर किसी पब्लिक सर्विस के लिए कंफर्ड ऑन इंडिविजुअल फॉर मेमोरेबल पब्लिक सर्विस उन्होंने कोई बरेवरी का एक्ट किया है उन्होंने आर्मी में सर्विस की है उन्होंने कोई अच्छी एन जी ओ वाली सर्विस की है फॉर सोसाइटी सम सोशल सर्विस समथिंग एंड दैट हैज बिन एक्सप्रेसली एग्जेड बाई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में उस तरीके का एक्ट पास हुआ है कि इन इन लोगों को हम लोग परपेचुअली ये प्रॉपर्टी देंगे और वो जो देंगे वो परपेचुअली उन्हीं के पास रहेगी ठीक है तो देन दैट इज ऑल्सो अलाउडुअल रिन्यूअलडस्ट्रियलडोर so, होते हैं उनमें जब आप कोई लैंड खरीदते हो तो आप एक्चुअली वो खरीद नहीं रहे हो यू गेट अ लीज फॉर नाइन्टी नाइन ईयर्स यू गेट अ लीज फॉर नाइन नाइनटी नाइन ईयर्स तो वेन Kind of so रिन्यू कर दो आपने फी पे करती वो उन्होंने आपको रिन्यू करके दे दिया तो परपेचुअल लीजेस को भी एक्सेप्ट किया है क्योंकि परपेचुअल लीज का काम ही है वो परपेचुअली चलाना तो ये एक्सप्रेशन जो है परपेचुअल लीज जैसे तो उनमें उनका ये कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट लास्ट ओवर द देन अ चार्ज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी सो इन आर नेक्स्ट पार्ट वेन आई एल बी टेकिंग ओवर वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आई एल बी सेपरेटली डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बट फॉर नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज अंडरस्टैंड चार्ज डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी Charge does not create. You have to always remember, this is one of the main difference between a mortgage and a charge. तो so, charge में us property ke upar koi interest create nahi hota ठीक है? तो इसे ले अगर कोई interest create ही नहीं हुआ है, तो उसपे ये perpetually perpetuity का rule apply कैसे होगा, ठीक है? All this apart, now let us see what is पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों अप्लाई नहीं होगा तो सपोज एक मंदिर बनाया हमने ठीक है एक so so तो पंडित की, की फैमिली को अपॉइंट किया एज द ऑफिशियल पंडित ऑफ दैट टेम्पल वो ट्रस्ट ने ये पंडित जी की फैमिली को पूरे अपॉइंट किया मतलब क्या कि पंडित जी के आज जो भी मिस्टर ए है पंडित पुजारी वो पूजा करेंगे उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद बाद उनका उनका बेटा बेटा तो परपेचुअली ये चलता रहेगा बिकॉज दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस में रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं होता सो दिस इज

आई विल मेक श्योर की जो भी नोट्स रहेंगे इस वीडियो के वो मैं अपलोड करूंगी और आप लोगों को और एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे जो कंडीशन मैंने बताई है अगर आप सिर्फ उतनी फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व कर पाएंगे तो प्लीज कीप वॉचिंग मोर वीडियोज थैंक यू